What if season 2 episode 7 set है Asgard में, जहां पे Odin Nine Rings conquer करता है अपनी first born daughter Hela के साथ। Hela को आपने देखा होगा Thor Ragnarok में। इसके बाद Hela और Worlds conquer करना चाहती है, पर Odin उससे बोलता है कि वो selfish हो रही है। फिर Hela Odin पर Mjolnir फेंकती है और Odin उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो उसकी पावर्स छीन कर उसे Asgard में banish कर देता है। उसके हेलमेट पर वो स्पेल कर देता है जो थॉर 1 में Mjolnir पे की थी, और ये हेलमेट वही उठा पाएगा जो उसका वर्दी होगा, जो राइट अमाउंट ऑफ मर्सी रखता होगा। ये हेलमेट चाइना के माउंटेन्स में जाके गिरता है, जहाँ पे वेनवू मतलब शांगची के डैड उसको फाइंड कर लेते हैं। वहाँ Hela अपने आप गॉडेस ऑफ डेथ डिक्लेयर करती है, तो उसके पास पावर्स नहीं होती, तो वहाँ पे उसको एम्बैरेसिंग मोमेंट झेलना पड़ता है। वेनवू की जो सेना होती है वो Hela को अटैक करने आती है, तो वो लाचार औरत की तरह एक्ट करती है। फिर जैसे ही गार्ड्स अपने वेपन्स लो डाउन करते हैं, तो उनको मॉर्टल तरीके से हराने की कोशिश करती है, मतलब मार्शल आर्ट्स से। वेनवू अपनी टेन रिंग्स यूज करके उसको स्टॉप करता है और Hela को नील करवाता है। फिर Hela बोलती है, अगर मेरे पास मेरा हेलमेट होता तो तुम लोगों की पोजीशन अभी रिवर्स हो जाती। तो वेनवू वंडर करता है कि ऐसा क्या है उस हेलमेट में, उसको उसके पास ले जाता है। वो हेलमेट को उठाए नहीं पाती क्योंकि उसकी वर्दी है ही नहीं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे थॉर स्टार्टिंग में अपना Mjolnir नहीं उठा पा रहा था। वेनवू उसको अपनी कस्टडी में ले लेता है और उसको अपने साथ डिनर करवाता है। वो उसको रेड ड्रेस भी पहनने के लिए देता है, और जब Hela उस रेड ड्रेस में आती है तो वेनवू एकदम अमेज्ड रह जाता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक एंगल भी देखने को मिलता है Hela और वेनवू के बीच में, पर वेनवू की तरफ से Hela को इंटरेस्ट नहीं है। Hela अपनी रेड ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करती है और कहती है कि अगर वो वेनवू का खून भी कर देगी तो इस रेड ड्रेस पे उसका खून कुछ पता नहीं चलेगा। उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए वेनवू कहता है कि रेड ड्रेस ब्राइड्स अपनी वेडिंग पर पहनती हैं। तो Hela कुछ गलत ना समझे, उससे पहले वेनवू बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ वेडिंग वेडिंग के लिए नहीं बैठा रहा हूँ, मैं तुम्हें एक अलायंस के लिए बैठा रहा हूँ कि हम लोग साथ मिलकर फाइट कर सकते हैं। वो बोलता है अगर वो लोग साथ मिलकर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे तो वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा भला हो सकता है। इससे पहले एपिसोड को ज़्यादा रोमांटिक में टर्न करे, Hela उसके सर टेबल में मार देती है। इस साउंड से गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं, उससे पहले Hela उसकी टेन रिंग्स ले पाए, वो वहाँ से भाग जाती है। वेनवू गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि Hela को लेके आए पर जिंदा। इन सब चीज़ों के बावजूद वो Hela से गुस्सा नहीं होता है, लगता है ज़्यादा ही पागल हो गया। तो उसके पीछे वहाँ भागते भागते एक एम्प्टी रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पे उसको शांगची वाला टीचर मिलता है मॉरिस। वो बोलता है कि उसको वेनवू के कंपाउंड से निकलने का रास्ता पता है। Hela उससे कम्युनिकेट करती है और जाती है उस विलेज के पास जो बैम्बू फॉरेस्ट से प्रोटेक्टेड है। वो जैसे ही वहाँ पर एंटर करती है तो उसके पीछे ट्रीज मूव करने लग जाते हैं, जैसे हमने शांगची मूवीज में भी देखा था। मॉरिस की गाइडेंस से वो सारे ट्रीज को पार कर लेती है और विलेज के अंदर पहुंच जाती है। विलेज के अंदर पहुंचती है तो उसको बहुत ज़्यादा मैजिकल फील होता है, पर हेमडाल जो Asgard में, अब वो Hela को ट्रेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि Hela उसके विजन से अब बाहर है। वहाँ पे एक औरत उससे अटैक करती है जो अपने पास के ट्रीज को कंट्रोल कर लेती है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो सब विलेजर्स उसके सामने खड़े होते हैं। वो वोमैन अपना नाम जियाई बताती है, जिस कैरेक्टर को हमने शांगची में भी देखा था। वो बताती है इस विलेज के लोग अपनी पावर्स को अंडरवर्ल्ड के सेट से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। Hela यहाँ पे अश्योरेंस देती है कि वो लोगों को ट्रबल कॉज नहीं करेगी, उसको तो बस अपने पापा Odin, वेनवू और उसके फादर की गर्लफ्रेंड श्रीगा से बदला लेना है। और Hela ये भी बोलती है कि अगर टैलो के लोग उसको शामिल नहीं करेंगे तो वो अंडरवर्ल्ड के लोगों का साथ लेगी। तो जियाई बोलती है कि डार्कनेस को आप डार्कनेस से फाइट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लाइट चाहिए। तो Hela बोलती है अगर ऐसा है तो मुझे ट्रेन करो। जियाई उसको ट्रेन करने लग जाती है। Asgard पर हेमडाल Odin को बताता है कि Hela उसको पोर्टल में नहीं दिख रही है, उन लोगों को लगता है कि वो शायद मर गई है। हेमडाल ये भी बताता है कि अर्थ पर कोई इंसान टेन रिंग्स पोजेस करता है जिसमें इतनी पावर्स है कि वो गॉड्स को भी मार सके। इस बात को सुन के Odin की पावर के लिए भूख बढ़ जाती है, वो अर्थ पे जाने के लिए सोचता है। जियाई इतनी सारी ट्रेनिंग मेथड से Hela फाइनली रिवील करती है कि उसके डैड ने उसको बचपन में उसका पेट डॉग छीन लिया था, और ऐसा ही सेम उन्होंने Hela के साथ भी किया है। और ये बताते बताते उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके पास तो फ्रीडम चाहिए, वो अपने आप को चूज़ कर सकती है। फिर जब Odin आता है तो Hela Odin के अगेंस्ट फाइट करने चली जाती है, और वहाँ देखता है कि वो वेनवू से लड़ रहा होता है उसकी ट्रेन रिंग्स लेने के लिए। वहाँ Odin Hela को देखकर बोलता है कि वो परेशान हो गया था जब हेमडाल को पोर्टल में Hela नहीं दिख रही थी। तभी Hela बोलती है कि ये सब झूठ है और उसको बस ट्रेन रिंग्स चाहिए। तभी जैसे ही Odin फाइट में हारने लगता है तब Hela उसको मारती नहीं है और ये प्रूफ कर देती है कि उसने मर्सी डेवलप कर ली है। तभी उसका हेलमेट उड़ के आता है, वो Hela के सिर पर अपने आप लग जाता है, मतलब Hela अब वर्दी हो चुकी है। वो उसका सूट रेड से वाइट Asgardian आर्मर में टर्न हो जाता है। लास्ट में वेनवू और Hela मिलकर कॉस्मोस को प्रोटेक्ट करते हैं, और लास्ट में थानोस को भी मारने चाहते हैं। तो यहीं पे व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 5 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अंधा सोच है।